पूरी दुनिया में कश्मीर राग अलापते फिर रहे हमारे पड़ोसी देश पाक को झटके पर झटके मिलते जा रहे हैं। पाक आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर होने के बावजूद भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को रद्द करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी पहले ही मार चुका है। हालांकि अब लगता है कि जल्द ही उसे अगला झटका यूरोप से मिलने वाला है। दरअसल यूरोप इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि EICC ने यूरोपियन कमीशन के EU कमिश्नर फॉर ट्रेड को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि पाक से जनरलाइज्ड सिस्टम प्रिफरेंस यानी कि GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाना चाहिए। बता दें कि यूरोपियन यूनियन कुछ देशों को अपने देशों में मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के बदले जनरलाइज्ड सिस्टम प्रिफरेंस प्लस स्टेटस देता है। इसके तहत EU ने पाक को भी ये स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। हालांकि पाक वही देश है जो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का चैंपियन है। EICC ने चिट्ठी में यह भी कहा है कि पाकिस्तान में सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों का धार्मिक उत्पीड़न किया जाता है। पत्र के अनुसार पाक में धार्मिक उत्पीड़न, नरसंहार, विध्वंस और चर्च और मंदिरों की तबाही और शिक्षा केंद्रों को ध्वस्त किया जाता है। पाकिस्तान में सिख लड़की के धर्म परिवर्तन और दो हिंदू लड़कियों का पहले अपहरण करना, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराना इसका ताजा उदाहरण है जो पूरी दुनिया के समक्ष है। बता दें कि इसी को देखते हुए 9 सितंबर को ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद उप समिति की एक बैठक के दौरान GSP स्टेटस को पाकिस्तान से वापस लेने की मांग यूरोपीय संसद द्वारा उठाई गई थी। अभी पाक की आर्थिक हालत पहले ही बहुत कमजोर है और उसके एक्सपोर्ट्स तेजी से कम हो रहे हैं। पाक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहद कमजोर है और अगर EU पाकिस्तान से ये स्पेशल स्टेटस छीनने का फैसला लेता है तो पाक के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बर्बाद होना तय है। पाक आर्थिक मोर्चों पर पहले ही काफी विफल साबित रहा है। पाक को इस वक्त डॉलर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है और इसके लिए वह चीन और कतर जैसे देशों से भीख मांगने को मजबूर हो गया है। पिछले कुछ महीनों में वह चीन, सऊदी अरेबिया और कतर से कर्ज लेने के बावजूद IMF के पास जाने को मजबूर हुआ है। पाक कर्ज में डूबा हुआ है और वहां की सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स लगाया है जिसके कारण महंगाई से इस देश में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। इसके अलावा आतंक विरोधी गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहने के लिए पाक पर FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट होने का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। ऐसे में अब अगर EU पाक से उसका GSP स्टेटस छीन लेता है तो वह उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। व्यापार के क्षेत्र में पाक को बड़ा झटका लगेगा। इससे पहले EU श्रीलंका से भी यह स्टेटस छीन चुका है। हालांकि बाद में EU ने लंका के स्टेटस को दोबारा बहाल कर दिया था। जब श्रीलंका से ये स्टेटस छीना गया तब श्रीलंका के साथ व्यापार विशेषाधिकार निलंबित कर दिया गया था। EICC ने अब कहा है कि कोई भी देश जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक हिंसा की गतिविधियों में लिप्त है उन्हें यूरोपियन संघ से कोई विशेष व्यापार विशेषाधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है और पाक से भी इसी आधार पर GSP स्टेटस छीन लेना चाहिए। स्पष्ट है कि कश्मीर मुद्दे पर कूटनीतिक तौर पर असफल रहने के बाद अब उसे आर्थिक तौर पर एक बड़ा झटका सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।